दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है। पवन जी को टिकट को लेकर जो अटकलें थी वो थम गई है। आसनसोल से टिकट फाइनल हुआ है, बीजेपी की टिकट दे रही है। दो बड़े सुपरस्टार, एक बॉलीवुड से एक भोजपुरी से। पवन पांडे जी क्या कहना चाहेंगे? हम क्या कहना चाहेंगे, हम तो पवन जी की तरफ से कहीं और बोलेंगे, भाई हमारे भोजपुरी के जितने सांसद होंगे तो हमारा भोजपुरी का सम्मान बढ़ेगा, हमारी भोजपुरी की भाषा गूंजेगी दिल्ली में संसद भवन में। तो पवन जी को टिकट मिला, इसके लिए बीजेपी पार्टी को धन्यवाद, मोदी जी को धन्यवाद और जो भी उसके टीम मेंबर्स है बीजेपी के, सबको दिल से धन्यवाद। पवन जी को टिकट मिलना ही चाहिए, क्योंकि एक वैसे योद्धा हैं जो बीजेपी के लिए कम से कम 10 साल से लगातार निस्वार्थ काम किए हैं, और उनको टिकट दे करके बीजेपी ने बहुत बढ़िया काम किया है। कुछ प्लानिंग आपके दिमाग में, क्योंकि एक तरफ शत्रुघ्न सिन्हा जैसे बड़े सुपरस्टार, साथ ही वहाँ 5 साल पहले सांसद भी रह चुके हैं, दोबारा फिर वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, पवन जी पहली बार हाथ आजमाएंगे, तो आपके पास कुछ प्लानिंग की, कुछ तरकीबें जो जनता को अपनी ओर खींच सके? देखिए, हम लोग का बहुत सारा वहाँ रिलेटिव लोग हैं और बहुत सारे गांव के लोग भी हैं, वहाँ पे घर द्वार है, कम से कम 400-500 वोटर हैं। तो उन लोगों को हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग जा करके उन लोग को अपने पक्ष में लाएं। और मैं तमाम भोजपुरी जितने भी इस न्यूज़ को देख रहे हैं, मैं तमाम भोजपुरी दर्शक से आग्रह करूंगा कि आप अपने ही लोगों को चुनिए जो आपकी भाषा को समझे, जो आपके बातों को समझे। और हमारे भोजपुरी के लोग बहुत सारे वहाँ हैं। तो और दूसरी चीज़ कि बीजेपी के पार्टी के भी बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो अथी पश्चिम बंगाल के भाषा भी हैं, भाषा को जानते हैं, वो भी बंगाली भाषा को जानते हैं, वो भी बीजेपी के सपोर्टर हैं, तो बीजेपी को भी इस पर देंगे। लेकिन जो भोजपुरी के कलाकार आपके बीच जाकर लड़ रहे हैं, और भोजपुरी के जो लोग आसनसोल में रह रहे हैं, वो लोग भोजपुरी के ही एक्टर कलाकार को वोट दें, ताकि हमारे भोजपुरी का सम्मान बढ़े। और सिर्फ पवन जी को ही नहीं, भोजपुरी के जितने कलाकार लोग उठ रहे हैं किसी भी पार्टी से हो, उनको आप सपोर्ट कीजिए और उनको चुनाव जिताइए। भोजपुरी के सुपरस्टारों की भूमिका कैसे देख रहे हैं? जब चुनाव प्रचार, चुनाव के दौरान पवन जी खड़े होंगे, तब उनके साथ उनके जो सुपरस्टार हैं, उनके साथ जो काम करने वाले भाई हैं, वो किस तरह से चुनाव में अपना रोल अदा कर सकते हैं? जरूर जाएंगे। अब देखिए, एक दूसरे का एक लोग सपोर्ट नहीं करेगा तो फिर आपका सपोर्ट कौन करेगा? और ये सपोर्ट शुरू हो गया। अब हमको नहीं लगता कि 6 महीना साल भर में कोई भोजपुरी में उतना बड़ा विवाद हुआ है किसी भी बिल्कुल स्टार के लेकर, किसी भी कलाकार को लेकर के। तो अब नहीं होगा, और सब लोग अब एकजुट के हैं, सब लोग सबका प्रचार करेंगे, सब लोग चाहते हैं कि भाई सब लोग धीरे धीरे करके एक एक करके, सबका समय आ रहा है, तो अपने अपने आगे प्लेटफॉर्म पर बढ़ते जाए, ताकि पीछे वाले को मौका मिले और वो बड़े लोग सपोर्ट करें। मनोज भैया, रवि भैया और दिनेश भैया, तीनों लोगों ने मिलकर सपोर्ट किया तो पवन जी को बिल्कुल टिकट फाइनल हुआ। तो इसलिए सबको सपोर्ट करना चाहिए, इसलिए सब लोग जाएंगे। भैया, एक सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्योंकि आप चुनाव को या फिर राजनीति को कहें तो बड़ा आपका नज़र पैना रहता है। तृणमूल कांग्रेस वहाँ पे, जहाँ पे आसनसोल से है कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस कह सकते हैं, दूसरी तरफ बीजेपी, तो क्या टक्कर किस तरह से रहेगा? अगर थोड़ी अगर आप अपने राजनीति के वो पन्ने को पलट के देखें तो किस तरह से टक्कर होने वाला है? नहीं, टक्कर तो होगा, टक्कर तो होगा, क्योंकि वहाँ पे अभी जो माननीय हमारे सांसद हैं शत्रुघ्न सिन्हा जी, वो आपके तृणमूल कांग्रेस के हैं, और तृणमूल कांग्रेस के वहाँ मुख्यमंत्री भी हैं, तृणमूल कांग्रेस के वहाँ वर्चस्व भी है पश्चिम बंगाल में, वहाँ तो कांटे का टक्कर होगा। पवन जी के लिए थोड़ा चुनौती है, लेकिन 2 महीना अभी टाइम है, 2 महीने में बहुत ऐसे फिर बदल कर हो सकता है, सकते जहाँ जैसे क्रिकेट और ये पॉलिटिक्स कोई नहीं जानता है, चुनाव के एक दिन पहले भी सारा सिस्टम बदल जाता है। तो क्या होता है कि अभी 2 महीना टाइम है, और 60 दिन बहुत समय होता है, 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है, साठ बिल्कुल दिन टाइम है, तो इसलिए बहुत सारा बदलाव होगा, और हमको लगता है कि पवन जी वहाँ जीतेंगे। क्या बात है। चुनाव को लेकर अटकलें एक और तेज है, जैसे ही एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होता है खेसारी जी का लालू प्रसाद यादव जी के साथ, तो ये भी लगाया जा रहा है अनुमान कि जल्द ही आरजेडी के टिकट से खेसारी लाल जी भी सांसद का चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। क्या इस पर कुछ आप बातों को खारिज करना नहीं नहीं चाहेंगे? ऐसा चीज़ नहीं है, खेसारी जी को अगर चुनाव लड़ना होता तो कब कर चुनाव लड़ जाते। आरजेडी के से बहुत सारे जगह के लिए ऑफर थे खेसारी जी को कि आप सांसद बनिए, लेकिन खेसारी जी को अभी चुनाव लड़ना ही नहीं है। खेसारी जी का लालू जी के घर से पारिवारिक संबंध है और अपना व्यक्तिगत संबंध है, तो कोई भी व्यक्ति आता है तो अपने घर परिवार जी से रिलेशन रहता है, तो उसके यहाँ जाता है, उससे मिलता है, तो इसमें कोई पॉलिटिकल वाली बात नहीं है, एक घरेलू मैटर के माध्यम से अपना मिले हैं। क्या इन अटकलों पर विराम लगाना चाहेंगे आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, खेसारी जी का पॉलिटिक्स में अभी कोई, हम आपको डिटो बोलते हैं कि 2025 में कुछ संभावना, 2024-25 में कोई संभावना नहीं। सीसीएल में भी नजर आ रहे हैं खेसारी लाल जी, कल टीवी पे जैसे दिखा, सोशल मीडिया पर काफी तस्वीरें वायरल हुई, क्या कहना चाहेंगे? क्रेज थोड़ा ज्यादा है, लेकिन टीम की हालत थोड़ी सही नजर नहीं आ रही है, शुरुआती 2 हार बैकफुट पर लेके आ गई है भोजपुरी दबंग को, इसमें क्या कहना चाहेंगे? और थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी है टीम में, क्योंकि अभी टीम मजबूती के साथ नहीं खेल रही है, जो
पिछले साल 8-9 साल से जो अपना परचम लहराते आई है भोजपुरी, करीब बहुत जीती भी हुई है। और भोजपुरी का एक दबदबा होता था कि नहीं भाई दबंग भोजपुरी टीम है तो दबंग है, लेकिन थोड़ी सी अपनी कमजोरी है। और कैप्टन साहब हमारे मनोज तिवारी जी को, वाइस कैप्टन दिनेश भैया को, इन लोगों को अपने टीम का मीटिंग करना चाहिए। हमारे मैनेजर साहब विकास वीरप्पन जी को, ये विकास भैया को भी सोचना चाहिए कि भाई टीम को मजबूत किया जाए, नहीं तो बहुत ये दर्दनाक लगातार दो हार बहुत दुखद है। पिछले सीजन में वो बेजदा रही है, इस सीजन आई तो लगा कि कुछ इसी तरह से परफॉर्मेंस दिखाएगी, लेकिन शुरुआती दो मुकाबले देखने को नहीं मिले हैं। तो क्या फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे, जो इंतजार खेसारी जी को, क्या अगले मुकाबले में खेसारी जी खेलते हुए नजर आएंगे? देखिए चंडीगढ़ है 9 तारीख को, तो उसमें खेसारी जाएंगे, उसमें 9 तारीख वहाँ उसमें हम भी जाएंगे। क्या अच्छा लगा भैया, सारी जानकारी आपने दिया, ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों के लिए, स्पेशली रंगदेव बसंती को लेकर क्या कहना चाहिए? जितने लोग देख रहे हैं इस न्यूज़ चैनल को, खूब सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और रंगदेव बसंती टेलर को बार बार देखिए, ताकि वो जल्दी से ट्रेंडिंग में आए। जय माता दी। थैंक यू सो मच भैया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस आर के पे आप जाएंगे, क्लिक करेंगे, रंगदेव बसंती का टेलर दिखेगा, वहाँ देख लीजिए, यहाँ के कमेंट करिए कैसा लगा, क्या अपडेट पाना चाहते हैं। नमस्ते।